भाई साहब, उसका एक और दोस्त है जो बहुत जिगरी हुआ करता था, उसका और है। वो कहाँ रहता है? वो कन्याकुमारी में रहता है, आप लोग वहाँ जाकर के पता क्या नहीं करते। प्रसाद, इसे साथ ले चलो। सर जी, हम उनको याद आया, उनका एक और फ्रेंड है दुबई में। अगर इसकी बात झूठ निकली तो इन चारों को मार डालना, और इन चारों में से कोई भी भागा तो वही हाल इस मोटे का करना। समझ गया भैया। याद रहे, कोई भी भागने न पाए। होते कुछ नहीं होगा। लोगों को हमारी कसम है, भागना मत, यहाँ से बता दे रहे, हमारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। ससुरा मोटा तो निकल लिया, हमो के बिहार कहना चाहिए था। दुकर। बुड़बक, बुड़बक। इतनी भात दौड़ तल्ली, कम से कम यहाँ तांती तो है। हमरे घर के राजा थे हम, किस्मत ही फूटी हमारी, इस सब तुहार कारण हुआ है। ससुरी 10 कदम पर ट्रेन थी, पकड़ पाते तो घर पहुँच जाते। सांडे के तेल से अपनी मालिश करवाते। क्या जंगल में तुझे भूत दिख गया जो रुक गया? भूत नहीं, मैंने एक परी को देखा, और उस मुलाकात के बाद मुझे कुछ और नजर नहीं आया। अरे ही का बकवास कर रहा है, ससुरे का दिमाग खराब हो गया क्या? ए, रामायण क्यों हुई थी भूल दिया, महाभारत क्यों हुई थी भूल दिया, तब मुझे एक लड़की के बजाय चाहिए। रामायण महाभारत का तो पता नहीं, मैं तो यहाँ रासलीला करने आया हूँ। मतलब यहीं आ देखकर बात कर। हम उस लड़की को ढूंढेंगे। बाबू, और तुझसे पता नहीं किस मनहूस गड़ी में मुलाकात हुई थी। आगे का प्लान व्हाट सर? हमारा जनाजा निकलने वाला है। ये आवाज कैसी? कोई बेचारी मार खा रही है क्या? मुझे लगता है बाबू की तहेलियों को भी उठा के लाए। चुप कर, अगर भैंस की तो जबान काट दूंगी। सच बता, इतनी सुबह जंगल में क्या करने गई थी? पूजा करने। हाँ हाँ, तुम्हारी बहन भी ऐसी करती थी। अब अगर कदम बाहर रखा ना तो तेरी टांगे तोड़ के रख दूंगी, समझी? लेकिन कॉलेज का क्या? कॉलेज जाके कौन सा तीर मारना है? लेकिन मैं तो किस बात की कमी रह गई थी बेटा, जो ऐसा सिला दिया। तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश थी जो हमने पूरी नहीं की? 2 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया, उनको धोखा देने के बारे में तुमने सोच भी कैसे लिया? धोखा? इसके लक्षण अभी से बता दे कि किसी दिन ये हमारा मुंह काला करेगी। हमने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं, किसी गैर मर्द की शक्ल भी नहीं देखी। हमारे बच्चे तक ऐसा नहीं करते, ये प्यार व्यार ये क्या होता क्या है? क्यों जी, उनके बारे में कुछ पता चला या ऐसे घूम फिर कर आ गए? कुछ पता नहीं चला। तुम्हारी हालत एकदम घंटे जैसी हो गई है मंदिर के। जो भी पूजा करने आता है सबसे पहले घंटाएं बजाता है, हर कोई बात शुरू करता है तुम्हारी दीदी की, ने घंटा बज जाता है तुम्हारा। उनके लिए पूजा करने गई थी क्या? पूजा करे मेरी जूती, पागल गई है कि प्यार करो और भाग जाओ बस हो गया। उसकी एक छोटी बहन भी है, वो क्या करेगी, उसकी जिंदगी का क्या होगा, उसके बारे में जरा भी सोचा उसने? अच्छा होगा कि वो दोनों पकड़े जाएं। वो सब भले मुझ पर भरोसा ना करे, पर पापा तो भरोसा करते हैं। देखना, ढूंढने में कसर ना रह जाए। सुनो, ठीक है भैया। देखिए ना पापा, कल तक मैं सबकी नजरों में एक प्यारी सी गुड़िया थी, पर अब तो जैसे सारी गलती मेरी है, यहाँ हर कोई मुझे ही डांट रहा है। मैं जानता हूँ मेरी बच्चियाँ ऐसी नहीं, बड़ी ने धोखा नहीं दिया, उसकी कोई भूल नहीं है, उसे बहकाया गया है। लेकिन मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी पापा। कोई पलोसन तो है नहीं, खिलकी पे क्या कलता है? पूरे गांव में 200-300 घर होंगे, उनमें उस लड़की को ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं। तूने एक घर छोड़ दिया, वो यहाँ का एक लौता शमशान है। कौन उल्टी हरकत की तूने तो हम भी तो का नहीं बचा पाएंगे। आगे भाई और कोई होशियारी करने की नहीं सोचना। ये कहाँ जा रही हो? जानती हो वो कौन है? गुंडे लोग, उनकी आंखों में आके डाल के देखोगी तो फंस जाओगी। तुम्हारी बहन ने भी तो नजरे मिलाई, पछी फूर हो गए। मर्दों ने अपने स्टाइल से पूछा, अब औरतों की बाली है यार। मेरी बेटी ने आज तक मुझसे कोई बात नहीं छुपाई, लेकिन इतनी बड़ी बात न जाने उसने मुझे क्यों नहीं बताई। हो सकता है तुम उन लोगों से डर रहे हो, लेकिन तुम मुझे अपनी माँ समझो। मेरी बेटी कहाँ है मुझे बता दो। तुम भी ना माँ, ऐसे पूछोगी तो थोड़ी ना बताएंगे। माँ, हम भला किसी से क्यों डरे आंटी, हमें पता होता तो बता देते, हम सच में कुछ नहीं जानते। रो 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 रो, ये लोग से कुछ भी पूछना बेकार है। मुझे उनसे कुछ पूछना? कोई फायदा नहीं, चलो तुम जाओ।
तुम्हारी मर्जी। रसिया? हाँ अभी आई। जरा सुनिए। कौन? माँ को तो पूछना ही नहीं आता, मेरी दीदी कहाँ है बताइए ना प्लीज। शुभलक्ष्मी की बहन हो, तुम भी आओ, तुम्हारी कमी रह गई थी। क्या मुसीबत है यार, पहले इसका बाप, फिर इसकी माँ, और अब ये आई है। लगता है इसी टॉर्चर की वजह से शुभलक्ष्मी 9 to 11 हो गई। नाराज क्यों होते हो? क्यों ना हूँ, अरे शक्ल दिखा के बात करो। भूल जाओ, तुम लोग गुंडे हो, अगर शक्ल दिखाई तो मैं फंस जाऊंगी। अच्छा तो इसलिए तुम कमर दिखा के फंसा रही हो? ऐसा नहीं है जी, दीदी मिल गई तो मुझे डांटनी पड़ेगी। छह, एक तरफ उसे इतना ढूंढ रहे हो, उसके मिलते ही सजा दे दोगे। उन्होंने गलती की है तो सजा तो मिलनी चाहिए, शरीफ लोग ऐसा थोड़ी करते हैं। अच्छा बेटा, तो फिर यहाँ शरीफ कौन है? मैं हूँ। अच्छा, और? मेरे पापा। ओहो, एक को तो भूल ही गई। वो कौन? मैं। तब तो आप मेरी मुसीबत को समझ सकते हैं। आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, हम दोनों कैदी हैं। सब मुझे ऐसे डांटते हैं जैसे मैंने ही दीदी को भगाया हो। अगर आप मुझे उनका पता बता देते हैं तो मुझे डांटनी पड़ेगी और आप भी छूट जाओगे। ओ हेलो, तुम्हारे बाप से नहीं डरता हूँ, ना ही उसकी वजह से यहाँ रुका हूँ। मेरा अपना पर्सनल काम है, इसीलिए यहाँ रुका हूँ। पर आपको क्या काम है? कौनो काम नहीं, अरे हमें मरवाओगे क्या? शांत हो जाओ, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगी? बताइए ना आपको क्या काम है, हो सकता है हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सके। रुक जा भाई। ए, सच में मदद करोगे? क्यों नहीं, मदद करूंगी ना। करोगी? तुम जाओ यहाँ से। अगर तुम बदल करने का वादा करती हो तो फिर चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े, मैं तुम्हारी बहन को ढूंढ निकालूंगा। मैं वादा करती हूँ, बताइए तो सही। मैंने इस गांव में खूबसूरत लड़की को देखा है, उससे प्यार करता हूँ, उसे ढूंढ निकालने में मेरी मदद करोगी? खुद को क्या राज समझते हो? हा? जो सिमरन को ढूंढने के लिए मेरी मदद मांग रहे हो? बाबूजी से कहकर गोली मचा दूंगी। तुम्हारे जैसे लड़के की वजह से हमारे घर में मातम छाया हुआ है, मैं गांव के किसी और घर को इस बेइज्जती से नहीं गुजरने दूंगी। भीख मांगोगे तो भी मदद नहीं करूंगी, तुम्हारी पापा से शिकायत करूंगी, देख लेना लोफर। अरे सुनो तो, मर गए तो। आगे का प्लान वट है सर जी। पता नहीं हमें कहां कहां से काटेगा। यहां आया लड़की देखे प्यार कर बैठा और मुझे ही लड़की ढूंढने को कह रहा है। आने दो पापा को, उसे अच्छा मजा चखाऊंगी, कुत्ते की दुम। ओहो, मैं यहाँ दीवारों से बातें कर रही हूँ क्या? क्या बताओगी पापा को? पछी पता चला उल्टा तुम्हारी बज गई। ऐसा नहीं है, ये लातों के भूत है, उनको ऐसी लात मारो। तुम क्यों गिर गई? तुमने ही तो लात मारी। मैंने? हाँ, मेरा काम बढ़ा दिया। माय डियर शुभलक्ष्मी, ये सारी पपियों के साथ, ये तो लव लेटर है। दीदी अपने लेटर्स मेरे कमरे में रखती थी। छोड़ो छोड़ो, ये लेटर चला गया हाथ में आ गया तो। बच गई बैंड। रुक रुक, चाको एक लव लेटर मिल गया, जल्दी साफ करो। नीना ऊपर है? हाँ ऊपर ही है। इन सबको बाहर जाकर जला दे। मैं नहीं जाऊंगी, इस खोपड़ी का पत्ती है, जा जा। हे, कोई प्रॉब्लम है? क्या है ये? ये क्या है? तुम्हें अपनी दीदी के लव के बारे में पहले से मालूम था? क्या आप शक कर रहे हैं मुझ पर?